वेलकम है आपका स्वागत। मैं हूं डॉक्टर दीपक केळकर, मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। इसके पहले दो वीडियोस में मैंने ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार विचार की बीमारी, बार बार कृति की बीमारी, इसके बारे में बनाया था, आपने वो देखा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन से विचार बार बार आते, कौन सी कृति बार बार की जाती, बड़ा दिलचस्प है। उसकी लिस्ट में आपको बताता हूँ, कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि मैं भी उसमें हूँ क्या, ऐसा आपको भी लग सकता है, क्योंकि कभी कभी हम भी ऐसा करते रहते हैं, मगर वो थोड़ी मात्रा में रहता है, इसलिए हमको साइकेट्रिस्ट के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है, खुद को डिस्टर्बिंग, बाकी बाजू वालों को डिस्टर्बिंग, तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास में जाके इलाज करने की ज़रूरत है। अब जैसा कि ये जो लक्षण है, ये है कि गंदगी के विचार, कि हाथ गंदे हो गए, पैर गंदे हो गए, बॉडी गंदी हो गई, या मैं बाहर गया तो बाहर से घर में आ गया तो मैं गंदा हो गया, या बाहर से कोई लोग घर में आ गए तो वो गंदे हैं, उन्होंने हाथ पैर साफ़ करना चाहिए, या मैं बाहर से आ गया तो मैंने हाथ पैर धोना चाहिए, हाथ पैर साफ़ करना चाहिए, मैंने कपड़े धोना चाहिए बार बार, ये विचार आते रहते हैं। फिर बार बार शक करना, एक ही बात बार बार, कि मेरे अनाज में कुछ डाला नहीं क्या, या अनाज कुत्ते ने तो मतलब खाया नहीं क्या, या ये अनाज बिल्ली ने कुछ खाया होगा, या उसमें चूहा गया होगा, मतलब चूहे ने कुछ तो भी हाथ लगाया होगा, ऐसे कुछ तो भी बार बार शक के लिए विचार आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है बदन के बारे में बार बार विचार आना, कि मेरा नाक छोटा है, मेरा लिंग छोटा है, कितने भी बार समझाएं कि नहीं लिंग नॉर्मल है, उसको कितने भी पुरावे दिए, कितना भी साइंटिफिकली उसको बताया तो बोलता नहीं मेरा लिंग छोटा है, शिश्न छोटा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं गंजा हो गया हूँ, या मुझे बार बार लैट्रिन लगती है, ऐसे विचार आना, या बार बार मतलब मैं लैट्रिन खाऊंगा, मेरे पास में एक भंतेजी है वो आते रहते हैं, और उनको मालूम है कि मैं खाऊंगा नहीं लैट्रिन, तभी उसको बार बार विचार आते कि मैं लैट्रिन खा लूँगा क्या, विचार आते रहते हैं, सिर्फ विचार आते, खाता पीता कुछ नहीं, कंपल्शन नहीं है। बार बार पेशाब को जाने के विचार, बार बार टट्टी को, लैट्रिन को जाने के विचार आते रहते हैं। फिर कुछ लोगों को दोनों साइड बराबर करने के विचार, मतलब दोनों डोर लगना चाहिए, एक साथ इधर का बाया और रहना, या दोनों खिड़कियां बराबर लगना चाहिए, मतलब सिमेट्रिकल सब रहना चाहिए, और उसके बारे में बार बार विचार आते हैं या उसके ऊपर कृति करते हैं, या दोनों बोल्ड लगना चाहिए जैसा। फिर सेक्स के बारे में विचार आते कुछ लोगों को, एक मेरे पास में पेशेंट है, उसको विचार आते कि माँ के साथ में मैं सेक्स करूँगा कि नहीं करूँगा, मतलब उसको विचार आते माँ के साथ सेक्स करना है, उसको मालूम है कि माँ के साथ में वो सेक्स करने वाला है नहीं, बोलता ऐसे विचार मुझे आते, मैं करूँ क्या, मेरी माँ के बारे में ऐसे, मतलब वो इतना खुद डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे विचार कैसे आ सकते, मगर आते हैं। फिर बार बार चेकिंग करना, अच्छा सेक्स भगवान के साथ में भी सेक्स करने के विचार आते, और उसको बहुत अपवित्र लगता है कि मैं भगवान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, बार बार चेकिंग करना, चेक बोल्ट चेक करना, या कार का दरवाज़ा लगा कि नहीं, ब्रेक चेक करना, मतलब कहीं भी लॉक किया कि नहीं चेक करना, खिड़कियाँ लगी कि नहीं चेक करना, बार बार धोना, फरसी धोना बार बार, दीवार धोना बार बार, दरवाजे धोना, या हाथ धोना, कपड़े धोना। फिर बार बार गिनती करना, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहे उतर रहे तो उसकी गिनती है, या टाइल्स जब चल रहे हैं तो टाइल्स की जो जॉइंट रहता है उसको, उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, और वो मतलब टाल के चलने का और वो टाइल्स गिनने का है। बार बार लोगों को पूछना, मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने उन्होंने हाँ बोलना चाहिए, और उन्हें जब हाँ बोलेंगे तो इसका समाधान हो जाता है। या बार बार उसको बोलना तुम कबूल करो कि मैं पवित्र हूँ, नहीं तुम बोलो कि मैं पवित्र हूँ, ऐसा बार बार वो लोगों को पूछता, उनको सताता है, और उन्हें जब तक वो हाँ नहीं बोलते तब तक इसके मन की शांति होती नहीं है। फिर बार बार फालतू चीज़ें जमा करना जो काम की नहीं है, उसका कोई उपयोग होने वाला नहीं है, मगर वो उनको कंपल्शन है कि वो करे बिना उनको अच्छा लगता ही नहीं। फिर कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई कहीं आग लग जाएंगी और बहुत नुकसान हो जाएगा, बार बार वो गैस की सिगरेट जैकेट टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कहीं आग ना लगे, फिर बार बार मर जाएंगे, ऐसे विचार आते, घर के लोग मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, या बार बार मुझे एड्स हो जाएगा, ऐसे विचार बार बार, अरे कहाँ कुछ कुछ भी नहीं है, उसको कोई पुरावा नहीं, उसको कोई प्रूफ नहीं है, मगर विचार आ रहे कि मुझे एड्स हो जाएगा। फिर बार बार वो लकी अनलकी नंबर के बारे में, कि 1, 3, 5 अनलकी नंबर है, उसके बारे में बार बार विचार, और कोई चीज़ करनी है तो 1 बार करना, 3 बार करना, 5 बार करना, या 2 बार करना, 4 बार करना, 6 बार करना, मतलब ऐसे। बार बार ब्रश करना, बहुत बार ब्रश करते हैं, बार बार कंघी करना, और कुछ लोगों को दरवाजे के अंदर बार 3 बार करना, 4 बार करना, कुछ लोग 10 बार करेंगे, 1 बार गिनेंगे, ऐसे 10 बार करना,
मतलब वो वहाँ से हटेंगे नहीं। कुछ लोगों को एक चेयर पे से उठना बैठना उठना बैठना। एक मेरे पास में पेशेंट है, वो आता है बोलता मुझे तपासो, वो तपासने के लिए लेटता है, लेटने के बाद में बोला ठीक है तपास लिया अभी उठो, तो उठता ही नहीं, बोला अभी मेरे विचार है कि मैंने उठना नहीं चाहिए, अभी विचार आते ऐसे लेटे रहो, फिर उसको जबरदस्ती करो तो इतनी ताकत लगाओ तो बहुत पहलवान है वो, अपने से उठेगा भी नहीं। फिर उसके मन में जब आएगा कि उठना है तब वो उठेगा, तब तक नहीं उठेगा, फिर उठेगा फिर बैठेगा फिर अभी उतरता नहीं, फिर वो बोलेगा ऊपर नीचे ऐसे 3 बार हिलाएगा फिर उठेगा। मतलब ऐसे कुछ तो विचित्र रहता है कि जिसमें वो ऐसे बार बार करेगा। फिर कार के ब्रेक्स, जैसा मैंने पहले बताया कार के ब्रेक्स है, गैस की सेगड़ी है, वो चेक करना, स्टोव चेक करना, बार बार किसको स्पर्श करना, इसको हाथ लगाना उसको हाथ लगाना, ऐसा बार बार स्पर्श करना। फिर मतलब और जो है कि जैसा अलमारी में कपड़े रखे कि नहीं, कपड़े ऑर्डर में रखे कि नहीं बराबर, मतलब इस तरह से ही कपड़े रखना चाहिए, हैंगर को ही लगाना चाहिए, इस तरह से लगाना चाहिए, मतलब ऐसा बहुत ही क्लियर कट उनका रहते रहता है। तो ऐसे काफ़ी सारे विचार हैं जिसमें वो व्यक्ति तो परेशान रहता ही है और उसके साथ साथ घर वाले भी परेशान रहते हैं। होता क्या है कि ये बहुत कम मात्रा में शुरू होता है, बहुत ही कम मात्रा में, और फिर हम उनको बोलते हैं कि नहीं अच्छा आदमी है, बहुत साफ सुथरा है, टाप टिप रहता है, सब परफेक्ट है, तो अपने को शुरू शुरू में अच्छा लगता है ये व्यक्ति, क्योंकि एकदम साफ सुथरा टिप टाप रखेंगे, कोई भी चीज़ जगह पर रहेंगी, ये चीज़ वहाँ मतलब वहीं मिलेंगी, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मगर वो एक ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है और उसके बाद में वो धीरे 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 कभी बढ़ता गया तो खुद को भी प्रॉब्लम है और लोगों को भी प्रॉब्लम है। ये बोलते कि नहीं नहीं साइकेट्रिक बीमारी नहीं है ये, तो लोगों को मालूम ही नहीं कि बीमारी है, बोलते हाँ तू अपने मन से करता है, ये ऐसा विचार मत कर, ये विचार छोड़ दे, ये कोई बीमारी थोड़ी है क्या, ऐसा घर वाले बोलते हैं, बाकी भी लोग बोलते हैं, डॉक्टर के पास में आता नहीं। 8-10 साल एवरेज रेशो ये है कि 8-10 साल के बाद में ये पेशेंट डॉक्टर के मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते हैं, इतना पुराना होने के बाद में फिर ठीक करना भी कठिन हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट मैंने बताया पहले वाले वीडियो में भी, इसके बारे में और एक वीडियो निकालता हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि OCD की ट्रीटमेंट क्या है। तो अभी तक इतना ही है, आपको अच्छा लगा तो जरूर ये वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके ग्रुप्स के ऊपर शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, और जब सब्सक्राइब करेंगे घंटी आएंगी तो उसके ऊपर भी प्रेस करो ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले उसकी इंटीमेशन आ जाएंगे, आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। हमारा मिशन जो है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लगने दो। थैंक यू वेरी मच।